ये मेरा है इसके लिए अटैचमेंट है, पर जब तक ये अटैचमेंट नहीं जाएगी तब तक अशांति रहेगी, और ये अटैचमेंट जाएगी तभी हम उसमें से कुछ निकलेंगे। और आगे से जस्ट एक लास्ट वाला ये बोल देता हूँ कि इफ वी हैव इंटरनल पीस देन एंड देन ओनली एक्सटर्नल पीस इज मुझे लगता है कि समय के मर्यादा के हिसाब से जो कुछ भी मुझे कहना था आई हैव टोल्ड यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। छोटी सी बात और एक अनाउंसमेंट के हिसाब से करना था कि जैसे कि पहले बताया गया था कि अहम थी सोहम सुधी इस नाम से मैंने गुजराती में एक किताब लिखी है, और उसका ये फर्स्ट चैप्टर ये है जो अभी मैंने कवर किया, वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, और ऐसे 15 चैप्टर्स उसमें रखे हैं रिलेटिंग टू स्पिरिचुअलिटी। ईश्वर है नहीं है, ईश्वर साक्षात्कार कैसे हो सकता है, हमारे पास समय नहीं है, मेन तो ये हम हमेशा रखते हैं कि 7 साल के बाद मैं कुछ ईश्वर के बारे में सोचूंगा, लेकिन मेरे पास समय भी नहीं है, काम से मालूम है, तो हमारे पास समय नहीं है, और मृत्यु का डर भी हमें हमेशा लगता है, तो उसको कैसे हमें सामने उसको जाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ऐसे सारे चैप्टर्स उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो यदि वो बुक किसी को परचेस करनी हो तो मैं यहाँ पे लाया हूँ, मेरे पैसा वहां बैठे पीछे, तो यदि किसी को चाहिए तो वो 100 रुपये में 100 रुपीज कॉस्ट है वो ले सकते हैं। जस्ट ये एक यहाँ आया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि थैंक यू वेरी मच। और साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग इंडिया में ऐसे पढ़ने से नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं होता। बराबर बात सही है, एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर से आपने जो बताया वैसे कि वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, वो एक्सपीरियंस करने की चीज है, खुद से करने की चीज है। मैं जब तक पानी में नहीं उतरूंगा तब तक मुझे तैरना नहीं आएगा, तो ये करने की चीज है, और इसलिए मैं मेरा ही उदाहरण दूंगा कि 2006 में मैंने जब बैंक को अलविदा कहा उसके बाद में यही मैं कर रहा हूँ, और शायद उसी की वजह से जस्ट टू शेयर विथ यू कि मेरी वाइफ को करीबन 3 साल के पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ, बाद में जो ट्रबलसम सब प्रोसीजर होता है रेडिएशन और केमोथेरापी वो सारा हुआ, लेकिन भगवान की दया से एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम कभी भी दोनों लोग डिप्रेशन में थे या तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और कभी भी हमने आशा छोड़ी नहीं। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रीजन यही है कि मैं थोड़ा कुछ भी जो कुछ भी कर रहा हूँ आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से वो ही है, और उसके लिए भी फिर से मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ ध्यान करता हूँ तो ध्यान में भी कभी शांति का अनुभव होता है, वो जो है वो कभी हम शब्दों से शेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करना होता है। अरे यदि हम करते हैं तो हम जरूर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो योग जो ये कर पा रहे हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और खुद को इस तरह से समस्थिति में लाने की कोशिश में है। 100% लाना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत देर लगेगी उसको, लेकिन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। एज यू सेड देयर आर टू वेज ऑफ लाइफ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी, और हमको दोनों में साथ में लेके जाना है, पर मेरे हिसाब से हम वो दोनों साथ में ले नहीं जा सकते, हमें बीच का एक रास्ता ढूंढना चाहिए, दैट इज रियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों साथ में नहीं जाते, रियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ बीच का रास्ता वही है ना कि दोनों आप साथ में रख सकते हो, बैलेंस टू बी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल। साधु संत जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं जिसने संसार का त्याग कर दिया है वो स्पिरिचुअलिटी हो सकते हैं पूरे पर, पर जो संसार में जवाबदारी निभाने के लिए संसार में है उसको अपने परिवार की जवाबदारी निभानी है, तो उसको कल का तो कल की चिंता तो करनी पड़ेगी ना। वही वही मैं कह रहा हूँ, उसको प्लान करना पड़ेगा। एस्पिरेशन में जो है वो आई डोंट से दैट यू डोंट एस्पायर। मैं बैंक में हूँ तो मुझे आज मैनेजर बनना है, कल मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, कल मुझे चीफ मैनेजर बनना है, ये मेरी एस्पिरेशन है, लेकिन मैं ये एस्पिरेशन पूरी करने के लिए वो रास्ता यदि इतना एंग्रॉस हो जाता हूँ
कि दूसरी ओर कहीं भी ध्यान नहीं दूंगा। जैसे एकदम सिंपल सी बात कह रहा हूं कि फैमिली, हम बैंकर जो होते हैं ना, काफी बार अभी तो नए उसमें सब लोग ऐसा ही है कि वापिस घर आने का कोई उनका टाइम नहीं होता। सुबह 9 बजे जाना है लेकिन रात को वापिस 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, जब कभी भी चाहे वो आए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। मैंने वो पैसा कमाते हैं लेकिन वो एंजॉय करने का उनके पास टाइम नहीं है। वो पैसा कमाते हैं लेकिन फैमिली के उनके पास टाइम नहीं है। जब मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, फिर से मेरा ही उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी ने मुझे बताया कि मेरा भी ज्वाइनिंग, हमारे बैंक में से बहुत लोग छोड़ जाते हैं और दूसरी बैंकों में या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या कहीं भी ज्वाइन करते हैं और नया जॉब करते हैं। तो इसलिए लोगों ने मुझे पूछा कि वेयर आर यू ज्वाइनिंग, तो मैंने सेंड ऑफ के मेरे भाषण में यही कहा कि आई एम ज्वाइनिंग माय फैमिली। मैंने अभी तक जो फैमिली को निग्लेक्ट किया है उसको मैं पकड़ना चाहता हूँ, बस यही बात करनी है और कुछ नहीं। मैं फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमें सब कुछ छोड़ करके नहीं जाना है, हमें जो कुछ भी है वो साथ में रख करके कुछ सोचना है, बस और कुछ नहीं। It has some indication. The working people cannot maintain balanced life. When you are joining in family at the age of 16, earlier before 50, you could not or did not. We have responsibility. इसी के लिए मैंने बताया balanced life कि मैं तो मेरा अनुभव मेरा और मेरे साथ मेरे जैसे अनुभव वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने नहीं है ऐसा नहीं, और ये हमारे करने की बात है, हर एक आदमी ने खुद से करना है। आपने जो कहा कि लेडी ने कहा कि कल के खाने की मैं चिंता नहीं करती हूँ, वो उसने संसार पूरा त्याग दिया है। जो संसार में है उसको तो कल की चिंता करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा। Thing is that you should not worry. You have to work very hard. Haan, but doesn't mean that you have to worry. But plan to karna padega. The plan is not worry, right? You have to plan. For example, you know. Shanti se karo jo karo. The thing is that you know what. Barabar hai. Galat prasne mat apna ho, barabar hai. Serious thing. We are all working in corporate world, right? Please, let us complete this. Okay, sorry. शांति से करो जो वी बीइंग इंडियंस एंड वी बीइंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर ऑल अवेयर अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल इन आवर लाइफ। एज ही वेरी राइटली सेड, जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, घंटा भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं, नहीं अंदर झांकने के लिए बजाते हैं कि अभी मंदिर में आए हैं तभी तो तृष्णा को त्याग करके जाए अंदर। इसीलिए हम अपने आप को जागरूक करने के लिए घंटा बजाते, ईश्वर को जागरूक करने के लिए नहीं। तो आज मैं उसी सोच से विलास भाई का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ है पर जब कोई बात करता है तो इट गेट्स रीइंफोर्स्ड इन आवर ओन सेल्स, सबके अंदर है। पर अभी आज बात सुनी है तो 2 दिन हम सोचेंगे और शायद 5% उस तरफ अपनी जर्नी शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच विलास भाई फॉर दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ VMA दिस इज जस्ट अ मोमेंट ऑफ अवर लव। थैंक यू वेरी मच।